Good morning, students. This is class 7th, chapter 14, direct indirect. हाँ, तो मैंने आपको I have already taught about direct and indirect speech. Let's revise once again. Yes, direct और indirect speech होती क्या है? जब हम किसी से direct बात करते हैं, there are two ways. सबसे पहले आप समझेंगे, there are two ways to report what someone says or thinks. दो रिपोर्ट्स होती हैं, एक तो डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है. ठीक है, व्हेन द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्ट रिप्रोड्यूस्ड इट इज़ कॉल्ड अ डायरेक्ट स्पीच. अगर कोई स्पीकर कुछ बात बोलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. विद द मेन आइडिया ऑफ व्हेन द मेन आइडिया ऑफ स्पीकर्स वर्ड्स इज रिपोर्टेड बाय अनदर पर्सन एंड द एग्जैक्ट वर्ड आर नॉट कॉटेड इट इज़ कॉल्ड एन इनडायरेक्ट स्पीच. जब कोई दूसरा स्पीकर के मेन आइडिया को यानी डायरेक्ट स्पीच को जाकर रिपोर्ट करता है किसी अनदर पर्सन से, ठीक है, और वो जो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं वो कोटेड नहीं होते हैं, मीन्स टू से एक्चुअल वर्ड्स नहीं होते हैं, तो वो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होती है. जैसे मारिया है, स्पीकर है, इसने क्या कहा? वी हैव टू बी बैक बिफोर डार्क. वी हैव टू बी बैक बिफोर डार्क. तो मारिया ने कहा कि हमें वापस जाना है अंधेरे से पहले. मारिया ने कहा, अब मारिया से अब कोई अनादर पर्सन है जो कि ये जाके किसी थर्ड पर्सन से जाके सेकंड पर्सन जिसने सुना वो किसी थर्ड पर्सन से जाके रिपोर्ट करता है, बताता है कि जो मारिया ने कहा था वो क्या कहा था, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे. जैसे मारिया सेड दैट they had to be back before dark. मारिया ने कहा था कि वो उनको वापस जाना था डार्क से पहले. अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच जो है वो तो प्रेजेंट में है, क्योंकि हम जब बात करते हैं डायरेक्ट तो प्रेजेंट में बात करेंगे, लेकिन हमारा बीता हुआ एक मिनट भी क्या हो जाता है? पास्ट हो जाता है. अब जब ये हम जब जाके किसी और से जाके जब हम बात कहेंगे तो वो तो बात तो पास्ट में चली जाएगी. जब पास्ट में चली जाएगी बात तो वो हमारा क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा. तो देखिए, अब यहाँ पर हम जब इन्वर्टेड कोमास में जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं हमारे, जो मेन आइडिया होता है वो इन्वर्टेड कोमास में रखा जाता है डायरेक्ट स्पीच में. लेकिन इसके बाद जब हम इसे ओपन करते हैं, तो उसके बाद कोमा हटाते हैं तो हम कंजक्शन लगाते हैं दैट की, कहा कि क्या. अब जहाँ यहाँ जो फर्स्ट पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो चेंज हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. लेकिन यहाँ मारिया ने कहा था ना कि वी, ये जो वी है मतलब कोई दो लोग हैं, तो दोनों लोगों का जो प्रोनाउन चेंज होगा, प्लूरल प्रोनाउन क्या होगा? थर्ड पर्सन दे हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए, व्हेन द एग्जिट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिप्रोड्यूस्ड द एंटायर स्पीच इज पुट विद इन इन्वर्टेड कोमास. जब हम स्पीकर के वर्ड्स जो होते हैं, जो कम्युनिकेशन होती है, उस पूरी स्पीच को हम इन्वर्टेड कोमास में लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ लगा हुआ है कोमास, एंड दिस स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. क्या कहलाती है ये? रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है. एंड द वर्ब सैड विच इंट्रोड्यूसेज द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब. जो वर्ब सैड होती है जो कि रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस कराती है, इस रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करा रही है, वो क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है. मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, जहाँ पर सैड, ask, asked, said और ये सब जो वर्ड्स आते हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती हैं, जो कि रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करती हैं. अदर रिपोर्टिंग वर्ब्स आर लाइक asked, told, wished, suggested, ordered, requested, informed, stated, inquired, exclaimed and replied. अब ये जो अदर रिपोर्टेड स्पीच हैं ये अकॉर्डिंग टू स्पीकर्स मेन आइडिया होती है. अगर इसमें यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड आ जाएगा, यहाँ पर अगर कोई कमांड है तो ऑर्डर्ड आ जाएगा, यहाँ कोई सजेशन है मैंने स्पीकर का जो मैन आइडिया है वो यहाँ कोई अगर सजेशन है तो रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो जाएगा? सजेस्टेड हो जाएगा. ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन है इधर यहाँ पे तो यहाँ आस्क्ड हो जाएगा. क्लियर? अब देखिए, कंपैरिजन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ नरेशन. नरेशन के डायरेक्ट फॉर्म और इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या कंपैरिजन होता है? इन इनडायरेक्ट स्पीच द एग्जिट वर्ड ऑफ द स्पीकर आर एनक्लोज्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास.
आई हैव टोल्ड यू टोल ऑलरेडी कि इन जो हमारी एंटायर कन्वर्सेशन जो होती है वो इन्वर्टेड कॉमास में होती है स्पीकर की. इट इज़ ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय अ कोमा, और ये कोमा के थ्रू बिल्कुल सेपरेट कर दी जाती है. इन इनडायरेक्ट स्पीच नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज, और इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं को इन्वर्टेड कॉमा यूज़ में नहीं आते, जैसे आपको यहाँ इस एग्जाम्पल में दिख रहा है कि यहाँ कोई भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं है. नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज टू सेपरेट द रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. एग्जाम्पल देखिए, रघु सेट, ये कॉमा आ गया और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा आ गया. आई लाइक फ्लाइंग काइट्स ऑन अ विंडी डे. रघु सेट दैट ही लाइक फ्लाइंग काइट्स ऑन अ विंडी डे. अब रघु ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, हमने कौन सा कंजक्शन लगाया, दैट ही लाइक्ड. अब यहाँ जो आई है, इस जो हम आप आई को देख रहे हो, ये जो आई है फर्स्ट पर्सन है. अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. यहाँ आई था तो इसमें रघु लड़का है, हमने यहाँ क्या कर दिया, ही लाइक्ड फ्लाइंग काइट्स ऑन अ विंडी डे. अब आप कहेंगे कि यहाँ लाइक था और यहाँ लाइक्ड आ गया. लाइक और लाइक्ड, यहाँ जब इन्वर्टेड, जब डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट सिंपल होता है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसे पास्ट सिंपल में चेंज कर देते हैं. तो यहाँ जो फ्लाइंग है ये यहाँ पर ना नाउन है ना वर्ब है, यहाँ पर वर्ब नहीं है, फ्लाई वर्ब वर्ब तो लाइक है, तो हमने इस लाइक को लाइक्ड में चेंज कर दिया. इट मीन्स अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम पास्ट सिंपल कर देंगे उसे. अभी आपको टेंस चेंजिंग रूल भी मैं आगे बताऊँगी. देखिए, इन द इनडायरेक्ट स्पीच अ कंजक्शन इफ नेसेसरी. स्टूडेंट देखिए, आपको टेंस चेंजिंग जो रूल हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि टेंस को जो इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस होगा उसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस टेंस में चेंज किया जाता है. नेक्स्ट देखिए आप, इन द इनडायरेक्ट स्पीच अ कंजक्शन इफ नेसेसरी इज यूज टू जॉइन द रिपोर्टेड स्पीच विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. समटाइम्स अ कंजक्शन दैट इज नॉट रिटन ओनली अंडरस्टूड. हमेशा क्या होता है इसमें, जब हम इन्वर्टेड कॉमास हटाते हैं तो हमें दैट लगाना पड़ता है अगर ज़रूरत होती है तो. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हम दैट कंजक्शन का यूज़ करें, कभी कभी ये अंडरस्टूड भी होता है. जैसे ही सैड ही वुड फिनिश द असाइनमेंट टुडे. अब ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर दैट लगाएं, लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं. टेंसेस पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई वी यू ही हिम, पजेसिव एडजेक्टिव्स लाइक माई योर हेट हर एंड एडवर्ब्स इंडिकेटिंग नियरनेस ऑफ टाइम प्लेस अंडरगो सर्टेन चेंजेस व्हेन द डायरेक्ट स्पीच इज कन्वर्टेड इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच. कहने का मतलब यह है कि प्रोनाउंस, पजेसिव एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये सब क्या होता है, चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में अकॉर्डिंग टू इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच. देखिए, मीना सेड टू मी, मीना ने मुझसे कहा, आई एम ग्लैड टू बी विद यू टुडे, मैं आपके साथ हूँ तो मुझे आज, मैं बहुत खुश हूँ मैं आपके साथ. तो मीना टोल्ड मी, जब सेड टू इज चेंज इनटू टोल्ड, सेड टू इज चेंज इनटू टोल्ड. ठीक है, सेड यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ तो सेड सेड ही रहा और यहाँ सेड टू टोल्ड में कैसा चेंज हो गया, तो सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है, सेड टू, आई एम टॉकिंग अबाउट सेड टू, सेड टू होगा तो वो टोल्ड में चेंज होगा. लेकिन अगर सेड ही रहेगा, सेड अगर होगा तो यहाँ पर ये सेड ही रहेगा. तो मीना टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, हमने कंजक्शन लगाया दैट. अब ये जो आई है, आई प्रोनाउन है, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन अगर यहाँ सब्जेक्ट है तो वो उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. तो यहाँ क्या है, आई, तो आई मीना के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हमने आई को किस में चेंज कर दिया, शी में. तो शी, एम, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है तो हमने इसको पास्ट सिंपल कर दिया. टेंस, आई एम ग्लेड, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है तो प्रेजेंट टेंस में बोला, लेकिन जब हम किसी को जाके रिपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पास्ट हो जाएगा, तो हमें इसको ऑब्वियसली पास्ट में चेंज करना है. तो मीना टोल्ड मी दैट शी वॉज ग्लैड टू बी विद मी दैट डे. टुडे को हम चेंज कर देंगे दैट डे में. यू किस में चेंज हो जाएगा, मी, मी में, क्योंकि ये क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ मी का मी आ जाएगा.
लेट अस नाउ डिस्कस इन डिटेल द रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. देखिए रूल्स देखिए आप यहाँ पे. फर्स्ट रूल है टेंस चेंजेज इन टेंसेस. टेंस चेंजिंग रूल. If the reporting verb is in the present tense or the future tense, the tense of the verb in the reported speech is not changed. अगर reporting verb में present tense है या future tense है. I'm not talking about particular present indefinite, present continuous or present perfect. I'm talking about present simple present tense. It may be simple, perfect, perfect continuous, continuous, whatever. Present tense. The necessary is प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा. जैसे कि द बॉय सेज विराट इज़ ए गुड बैट्समैन, तो द बॉय सेज दैट विराट इज ए गुड बैट्समैन. यहाँ प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो यहाँ पर क्या है इसका टेंस चेंज नहीं हुआ. जैसे ही मदर विल से द बॉयज हैव बिकम अनरूली, तो मदर विल से दैट द बॉयज हैव कम अनरूली, ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर टेंस था और यहाँ प्रेजेंट टेंस था. तो दोनों में जब अगर रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट सिंपल, नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर टेंस, आई एम रिपीटिंग अगेन अगेन, आई एम टॉकिंग अबाउट टेंस ओनली, प्रेजेंट और फ्यूचर होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा. क्लियर. द सेकेंड रूल इज If the reporting verb is in the past tense, अगर reporting verb past tense में है, it means said. The tenses in the reported speech are also changed into the corresponding past tense. अगर ये past tense में है यहाँ पे, तो हमें यहाँ भी इसको past tense में ही करना होगा. जैसे कि let us discuss this rule in detail. First use देखिए आप, be का इतने सारे हमारे rule हैं. तो first rule है the simple present tense change into the simple past tense. अभी आपको मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, जैसे अनुज सेड. अब रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो हमने इज को किस में चेंज कर दिया, वॉज में चेंज कर दिया. सुरेश इज अ गुड डांसर. अनुज सेड दैट सुरेश वॉज अ गुड डांसर. इसमें चेंज हो गया. तो प्रेजेंट टेंस इन शॉर्ट कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस है तो हम उसको पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं. इज दैट क्लियर. आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा. टिल देन थैंक यू.